गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना प्रकोप के कारण 14 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है। इसके तहत जनप्रतिनिधियों के पास 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। नरोत्तम ने कहा कि कोरोना पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश भर में कोरोना पीक पर जा रहा है, उसी तरह एमपी में भी कोरोना बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी रिकवरी रेट बढ़ी है, प्रदेश में इलाज की समुचित व्यवस्था है। उन्होंने कहा 1-2 दिन में कोरोना की रफ्तार पकड़ में आ जाएगी। अब लगता नहीं कि कोरोना की रफ्तार इससे तेज हो पाएगी। कोरोना के चलते नरोत्तम मिश्रा ने 14 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। अब जनप्रतिनिधि के पास 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। कोरोना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था कि 14 तारीख तक कोई भी मंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे, सांसद विधायकगण जनप्रतिनिधि जो माइक लग के जो कार्यक्रम होते हैं वो नहीं करेंगे। महती आवश्यकता होती है तो वर्चुअल कर सकते हैं। 5 लोगों से अधिक जनप्रतिनिधियों के पास एक साथ नहीं आए जाएं, ये भी कल कहा था 14 तारीख तक। जहां तक कोरोना का सवाल है, देश के अंदर वो पीक की तरफ जा रहा है। सभी स्थानों पर डबल हुआ है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी हुआ है। लेकिन अच्छा ये है कि हमारी रिकवरी और ऑक्यूपेंसी दोनों बहुत अच्छी है। हमारे पास आज भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू के बेड, जनरल बेड 50% से ज़्यादा अभी हमारे पास खाली हैं। लेकिन अब रफ्तार 1-2 दिन में उसकी पकड़ में आ जाएगी और हमें नहीं लगता कि अब वो इससे तेज और हो पाएगा। फिर भी हम एहतियात और प्रकोशन पूरे रखे हुए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।